और ये भी मानिए 25 रुपया मोरसी, और ये 25 रुपया दौलतपुर के रहने वाले ज्ञान सिंह, और ये 25 रुपया मानिए, और ये मिलान सिंह 25 रुपया, ये काशीपुर की तरफ से, ये अमरपाल, अमरपाल ये मानिए रिंकू भाई साहब, टीटू टीटू ये चार सज्जन ये 100 रुपये दे रहे हैं, और ये इगरापुर गड़ी की तरफ से हमारे चौधरी चचा, ये चौधरी चचा 50 के नोट से 10 रुपये दे रहा है, पार्टी हाथ देख धन्यवाद करते हैं। और क्या है, और ये बिमलेश के लिए बुला रहे हैं उमेश, यहाँ कहीं हो आकर के सब पलक कर ले, ये 100 रुपये देते हैं। अरे जोड़ी बनी रे चार रही सरगी, के पंजा रखेंगे सिरिया भगवा, वाह चौधरी चचा क्या बात है, देखे सक्का दोपहर देखे आ रहा जमाव, ये रात पहला को जाते देखे पीता या साढ़, और ये 20 रुपया किंचौरा के रहने वाले अमर सिंह, और ये मानिए 100 के लोट से 20 रुपया, ये प्रेमपाल अमरपाल ये भी 20 रुपये दे रहे हैं, और पत्र बेरा तन को देखे जाते ना जाते देना बेचारे हो भरता, आय हाय रे नदिया पे मजा ले गई, ओए होए रे नदिया, हेलो अब हमारा प्रोग्राम चालू है। आज तालों पे मंत्री आते हैं तो राजा प्रथम के लिए मनजहा ने कह दी कि मेरे पति के खातर सियारी बताना, तो राजा प्रथम के लिए सियार बताए। हेलो आज राजा प्रथम ने क्या काम किया, और ये सत्यवान भक्ता नगरा की तरफ से ये भी 20 के नोट से 10 रुपया देते हैं, पार्टी हाथ देख धन्यवाद करते हैं। प्रथम ने रे तो जान हुक्म लगाए दो पति वीरता को, आओ और ये फिर वो इगरापुर गड़ी की तरफ से हमारे चौधरी चचा, ये 10 रुपया देते पांव के हाथ में धन्यवाद करते हैं। आज इसने पति के खातर पत्नी और सतपुरुषों पे कायर खा रही, दही के मटका भरवा देते हैं, कहने लगे के जरा भी दही घट गया तो तेरे शरीर से लोह खिंचवा करके पूरा करवा लूंगा, तो कग रखवा रहे रानी मंझा सतरुजों पे काय रखाती है। इधर राजा प्रथम सुबह ही होते और दिशा मैदान के लिए जाती है, कौम की हरिजन आती है तो उनका पल्लू मार के खड़ी हो जाती है। राजा प्रथम ने बुलाई, आप तूने मेरे साथ में क्या टुटका किया, तो उन्होंने कही राजा साहब तुम्हारा आप राजा निर्वंशी हो, तुम्हारे मुख दिखने से अन्न प्राप्त नहीं होता, तो उन्होंने कही फिर, तो राजा प्रथम सोचने लगे कि आज अन्न प्राप्त होगा। हेलो और ये टीटू और ज्ञान सिंह और ये काशीपुर की तरफ से और मीलाल, ये तीनों सके 20 रुपया देते पार्टी हाथ देख धन्यवाद, छाप लगा देना, कह रहे हमारी 100 रुपया छाप उठा लग गया, अरे चढ़ जाइया, अरे चौकटा मेरे भैया प्यारे हाथी तो दांत, बारे बारे बेटा रे भैया खेल देखे द्वारे पे, अरे क्या पंगा रखेंगे रे भैया सिरिया भगवा,
रईस दिलावर साहब अलीपुर की तरफ से ये 10 रुपये दे रहे हैं। भैया किन के मरे रे लाल घटी जाते और किन के मरे रे शोक छिटी जाओ और किन के मरे रे बावल जात और किन के मरे रे चौक हिल जाए और मैया मरे रे लाल घटी जाते और त्रिया मरे रे शोक छिटी जाए और भैया मरे रे बावल जात के बेटा मरे रे चौक हलाई हलाई। सरसोता धाम में आए हुए सभी भक्तजनों का आर के साथ हार्दिक का अभिनंदन करता है। मेला कमेटी सज्जन सिंह का कहना है कि मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी भाई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसका वो अपनी बेइज्जती का स्वयं जिम्मेवार बने। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखें और मेला 27 तारीख तक चलेगा। आर के डीजे साउंड सर्विस एंड लाइट सेंटर। हाँ बहनों भाइयों, मिलने का पता है शेषवान इसलाम नगर रोड इब्राहिमपुर गढ़ी। कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम कराना हो तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इसके प्रोपराइटर हैं रोहित कुमार यादव। और ये मानिए 10 रुपया ये लोकेश, ये मानिए साधपुर की तरफ से और 10 रुपया उमेश शादीपुर की तरफ से और 10 रुपया बेदराम शादीपुर की तरफ से और ये 10 रुपया अवनाथ कवि काशीपुर की तरफ से, ये भी 10 रुपया देते पांडे हाथी। धन्यवाद करते हैं। अरे चढ़ियो जो कटारे मलिया देखे के फुल्लिए लगे रे सुवर लगा और ये मानिए 20 रुपया ये खंडुआ नगरा के तरफ से, ये मुंशी जी के कुंवर साहब, ये भी सांड के मालिक साहब हैं, इनकी दुकान नादे में है, ये भी 20 रुपये दे रहे हैं हमारे लिए। और ये हमारे दौलतपुर की तरफ से ये नेक्सू, ये भी 10 रुपये दे रहे हैं। तुमने लोटे रे दिए रे कागज के तुम को दिखे चांदी के भगवान ये दीवार सुनते ही राजा प्रथम के लिए एहसास हो गया कि मेरा शहर में रहना बेकार है। तो विद्वान पंडित जी ऋषि महात्मा को बुलाते हैं, कोई भी मेरा ऐसा है संतान का मेरे लिए चला दे तो यात्री से। एक काशी जी ते तो बूढ़े ब्राह्मण आए पत्रा ले के बे तो नरवर में तो आए ना ब्राह्मण ने मर तो देरी नाम लगा दे पत्रा तोरे बे तो अवत उचारे तई फिर ब्राह्मण बे तो बचन उचारो एक जन्म की प्यारे जलती अटाए सात जन्म तक प्यारे संतन नाए। और ये मानिए 10 रुपया जल्लूपुर के रहने वाले भूरे सिंह, ये तुम्हारे लिए मालूम होना चाहिए, सब लोगों को जानते हैं नथु सिंह धुलेत जल्लूपुर की तरफ से, उनके कुंवर साहब भूरे सिंह हमारे भाई साहब ये 10 रुपया दे रहे हैं। उनका नाम दुनिया में नेट पे भी अभी भी तैयार है ढुलेत का, उनके सी आवाज तो थोड़े जन्म की। अरे जुग जुग जियो मुलेक दुनिया में के त्यारो नाम रे अमर हो
और ये अलीपुर की तरफ से संगीत 10 रुपया और धीरा लाल, और ये जल्लूपुर के रहने वाले अमर सिंह जे भी 10 रुपया दे रहे हैं। ये बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, राजा प्रथम तेरे नाम से एक जन्म की चंद क्या 7 जन्म संतान नहीं हो सकती, तो उनकी कोई उपाय है? तो पंडित जी कहने लगे, एक उपाय है अगर राजा प्रथम कर ले तो। उन्हें कौन सा? एक ऐसा मेरी प्रथम अग्रज भैये सातो जाते नो नौत जिमाइये कोई बाव तोरे रह तारे पावे ऋषिया महात्मा तू तो सिगरे बुलाइये ना प्रथम ने मर तो तेरी राम लगावे एक ऐसा मेरी दे तो अग्रज बाबे सातोरे जातिन बे तो नौ जिमावे ऋषि महात्मा मर तो सब बुलवाए एक बाबा तो भोजन खावे ना आए। हेलो, और ये अलीपुर की तरफ से, वो ये धर्मेंद्र यादव अलीपुर की तरफ से, ये तीनों सज्जन 30 रुपया दे थे पार्टी के लिए। पार्टी हाथ एक धनबाद करते हैं। अच्छा, वो 10 रुपया जीरा ला, ये तीनों सज्जन 30 रुपया अलीपुर की तरफ से। और क्या है जी? तो जैसे पथरे देख ग्राम अलीपुर में सारा साबी चले बसे हमारे खान। हेलो, और ये मानिए अमरनाथ टिरी वाले आवाज सुन रहे हैं काशीपुर वाले, अमरनाथ टिरी वाले उनके लिए मीलाल बुला रहे हैं काशीपुर वाले। स्टेज के पास आ जाए हमारे ज्ञान सिंह भैया उठा रहे हैं दोनों परिवार, उनके लिए याद कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए अमरनाथ टिरी वाले। इतनी बात सुन के राजा प्रथम सोचने लगे अब असमे की अग्र रचवाते हैं सातों जातों को नौत जमाते हैं एक बाबा और वो भोजन खाने के लिए नहीं आते हैं। ये बियाबान जंगल में तप रहे हैं, मंत्री भेजे, मंत्री के कहने से बाबा नहीं आए। बाबा कहने लगे मैं ऐसे भोजन खाने लिए नहीं जाऊंगा, निर्वंशी राजा का मुख नहीं देख सकता। उन्हें कैसे जाओगे? एक रानी है और राजा रे आवे तब नरवर को मैं तो तब ही जाऊंगा ना मैं तोरे ना पगत तोरे आवे भोजन खावे मैं तो ना तो ही जाऊंगा। हेलो है रे, और ये सातपुर की तरफ से 20 रुपया राजवीर ड्राइवर साहब, ये राजवीर ड्राइवर 20 रुपया देते हैं पार्टी हाथ के धनबाद। और ये अलीपुर के रहने वाले मुनीश भैया ये भी 10 रुपया दे रहे हैं, ये 10 रुपया दे रहे हैं। तो ये थी बात, सुनते ही राजा प्रथम ने कही, आकर मंत्री कह देते हैं कि राजा रानी आवे तो भोजन खाने के लिए जाऊंगा, उन्हें नहीं जाऊंगो सो नंगे पैर आवे। तो राजा प्रथम जो सोरानी नरवर में मौज उड़ा रहे उनके पास जाते हैं, पहुंचे सब दुल्हन के रे पास अरे सोरानी मौज उड़ाए रही पातो नरवर के तो बीच अरे सबने मने करी रे नरवर में सब रानी मने करने लगी, पति महाराज नंगे पारो बियाबान जंगल के लिए भोजन लेकर हम नहीं जा सकते। तो राजा प्रथम सोचने लगे आज ऐसा कौन सा है सो जाकर के बियाबान जंगल में भोजन ले जाए। तो आज राजा प्रथम रानी मंझा के पास जाते ही ये सतपुरजो पे काग रखा रही है, पहुंचे ढिंग दुल्हन के रे जाए जो कागर रखा रही को कहियो अरे सूरत देखी जब पति भरता ने बातो सतपुर जन के बी गोरो बदन चारो के सुख में लाए गौ। कहने लगी पति महाराज आज गोरा बदन कैसा कुम लिया गया, तुम्हारा कारण क्या है? एती बात सुनते ही राजा प्रथम ने कही कि आज कोई बियाबान जंगल के लिए भोजन जमाने के लिए बाबा के लिए नहीं जा रहे। तो रानी मंजा कहने लगी पति महाराज
आज मैं तुम्हारे कहने से बियाबान जंगल के लिए नंगे ही पैरों मैं जरूर जाऊंगी। सो आज पति के खातिर पतिव्रता औरत बियाबान जंगल के लिए भोजन लेके जाती है। पति के खातिर बाप पति वीरता ने सूदी जाए रही अरे बियाबान को कछुआ ने पुरो करो हो नाय अरे पीरवा से रंग रवर। आज पतिव्रता औरत पति के खातर बियाबान जंगल के लिए गई। बाबा देख करके बारह घड़ी की तारी मार जाते हैं। बारह घड़ी रानी मंजा एक पास से भजन करती है। बारह घड़ी बाद तारी खुन जाती है। बाबा कहने लगे बेटा जो मांगे सो पावे उनकी बाबा बचन दो। उन्हीं बाबा कहने लगे बाचा दुर्वाचा त्रिवाचा यहाँ से करे सो नरक की सभा करे। उन्हीं बाबा क्या दोगे क्या मेरे है नहीं एक मेरे लिए संतान दो। जब संतान को नाम आओ तो राज सब मने कर देती है कि मैं राजा प्रथम के यहाँ संतान नहीं हो सकती। तुन की नाम से नहीं है तुन की बाबा मेरे बचन दो। तुन की रघुलत की सदा चले आई मगर प्राण जाए मगर बचन जाए। तुन की मैं जरूर तुम्हारे लिए दूंगा। तो भगवान जी के पास बाबा खलगा छोड़कर जाते हैं तो 33 करोड़ देवता भगवान जी बैठे हैं। सब मने कर देते कि निर्वंशी राजा के यहाँ हम जन्म नहीं ले सकते। तो ये राजा नल है इसने कही भगवान जी मैं जाकर जन्म लूंगा फिर मेरी शरत कर दोगे। तो उन्हें तेरी शरत कौन कौन सी ना मैं जन्म बा नरवर में तो लिंगो निर्वंशी राजा को ना मुख देखंगो बे माता तोरे देऊ आवे 33 करोड़ देव तऊ आवे आप रूप तुम स्वामी नहीं हो ये तो पर तुम ही तैयो। हेलो अरे अरे कप्तान और नाम बताओ ना कोरी कप्तान है तालेवर तालेवर दौलतपुर की तरफ से। अरे ये 50 रुपया तीनों सज्जन देते हैं पार्टी हाथे धन्यवाद करते हैं। और क्या है तेरी जोड़ी अरे पड़ी रे मेरे भैया तीन हाथे के से रानी और पंजा राखेंगे रे भैयो श्री भगवान। भगवान जी ने कही के जा ऐसा ही होगा ना तेरे जन्म नरवर में होगा तू निर्वंशी राजा का मुख नहीं देखेगा तेरे सामने 33 करोड़ देवता आवे तो भी टक्कर नहीं रोकेंगे। तो एक बात शरत राय ने उन्हें कही अगर तुम भी आएगा एक न्याय से गेन ने बात कर दी अरे सभा पे अरे तू एक घंटा दो बाजे तुम तेरे तरवार तेगा बजे गोते मंजलो खबे के ऐसो जने रे तू सरोना हालो है। और ये 10 रुपया कॉमेडियन सेक्स ये 10 रुपया देते पार्टी हाथे धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे ठेकेदार मालिक साहब हैं सज्जन सिंह नेताजी उनका कहना है मेला में कोई भी बबलिंग दुकानदारों से कोई परेशान नहीं करेगा। अब हमारा मेला नेताजी ठेकेदार साहब का कहना है सज्जन सिंह का कि 27 तारीख तक चलेगा फिर रात प्रोग्राम होगा भारी से भारी संख्या में शाम के लिए भी आवे और कल भी दिन में होगा। और वे सोचने लगे एति वरदान कह करके तो उनने की देते एक चावल चावल लेकर रानी मंजा नरवर में आई। तो वो रानी मंजा सोचने लगी जन मेरी कौन सी बहन के भाग्य से बेटी बेटा हो जाएगा मेरे पति का नाम रोशन हो जाएगा। तो रानी मंजा क्या करती है एक चामर तो मर दो 100 चामर मिलवाए सब बहन को बाने नरवर में बटवाए काऊ ने फेंको मर दो अटारे अटारी
माथे से लगाए के खाई गई मंजा नार बिचारी। और ये बंदर भक्तानगर की तरफ से ये भी 10 रुपया दे थे पार्टी हाथ धनबर करते। और ये 20 रुपया गढ़ी के रहने वाले हमारे भाई साहब अंगेश ये भी 20 रुपये दे रहे हैं। और रानी मंझा माथे से लगाकर खा जाती है, सो रानी फेंक देती है कि हाँ चावन तो बेटी बेटा है जाके। तासे रह गई गर्व आधा, अरे चतुरा बिटरी आय जे पालकी के कछुबाने बुरोरे करो। और ये 10 रुपया ये मानिए सुरजीत गड़ी की तरफ से आर के डीजे सांड की तरफ से ये 10 रुपया दे रहे हैं। और ये 10 रुपया गौरी शंकर गड़ी की तरफ से और ये अतंदर शर्मा जी ये भी इंदिरापुर गड़ी की तरफ से ये 20 रुपया देते पांडे हाथी धनबाद कर। और आपके सामने रानी मंजा कैसे काग रखाएगी तो उसकी सौ सुरजा उसकी जांच करवा के रानी मंजा के लिए कैसे मरवाएगी। और हमारा प्रोग्राम आगे के लिए चालू है, हमारे माननीय मास्टर साहब बक्सर की तरफ से अखिलेश यादव जी ये मास्टर साहब है ये बक्सर की तरफ से, और नंदरौली की तरफ से ये हमारे उस्ताद बबलू यादव जी जेवी नक्काड़े प्रसंगत कर रहे हैं, और ये पतिसे की तरफ से प्रमोद यादव जी, और इब्राहिमपुर गढ़ी की तरफ से ये जोखरी प्रसंगत कर रहे हैं हमारे पप्पू यादव जी, और ये मंझा का रोल करेंगे ये मालपुर ततेरा की तरफ से ये किशनपाल मौर्य साहब, और ये सुरजा का काम करेंगे मुस्ताबाद की तरफ से चंद्रभान सागर साहब। ये हमारा प्रोग्राम अब आगे के लिए चालू है, रानी मंजा क्या तरकीब से काग रखाएगी और क्या तरकीब से सुरजा उसके लिए मरवाएगी। और ये एक आवश्यक सूचना आई है भैया, इनका भी प्रचार है, ये 10 रुपए का पुरस्कार लेके आए लक्ष्मी टेंट एम लाइट यादव डीजे साउंड सिस्टम की तरफ से। हमारे यहाँ शादी विवाह जागरण भागवत रामायण कथा एंड रामलीला रासलीला अन्य शुभ अवसरों पर टेंट लाइट व डीजे आदि के लिए संपर्क करें। इनका पता है, इनका संपर्क सूत्र है खंडुआ उगैती रोड वकील साहब की कोठी, इसके प्रोपाइटर हैं पप्पू यादव जी। इनका मोबाइल नंबर है 97 58 32 76 73। एक बार इनके लिए सेवा का अवश्य मौका दें, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मानिए 10 रुपया सत्यवीर, और 10 रुपया सोनू, और 10 रुपया सत्येंद्र। और ये दौलतपुर की तरफ से विकास और विनोद, ये दौलतपुर की तरफ से ये भी 20 रुपये दे रहे हैं। और रानी मंजा क्या तरकीब से काग रखा। और ये 10 रुपये का पुरस्कार लेकर आए हमारे भैया रहीस निवासी अलीपुर के रहने वाले, ये भी 10 रुपये पार्टी के पास देते हैं, पार्टी बार बार धन्यवाद देती है। देखिए जय राजा रानी की कथा है, पहले की राजा रानी कैसे थी, कितनी भी दुख विसित पड़ेगी सत्य के लिए नहीं छोड़ा। आज रानी मंजा के लिए कच्ची कमोरों में दूध घुरवा दियो, हाथों में तरैया बांस दे दियो, सतगुरु जी का रखवान कर दी रानी मंजा। तो रानी मंजा क्या कहने लगी। और ये भवोरी के रहने वाले राजेंद्र सिंह 20 रुपये दे रहे हैं, और ये 20 रुपये चंद्रपुर की तरफ से ये दिनेश के कुमार साहब अतुल, ये भी छोटे से कुमार साहब ये भी 20 रुपये दे रहे हैं। ए नहातन से मैंने हंस चुगाए, कागा उड़ाए मैंने कबहू ना। हेलो, और ये 10 रुपया अलीपुर के रहने वाले जियालाल, और 10 रुपया धर्मेंद्र, और 10 रुपया सत्येंद्र संजीव चचा भतीजे, ये 30 रुपये दे रहे हैं। अरे जोड़ी बनी रे तई चचा भतीजे की, के कृपा रखेंगे श्री भगवान। भैया जब तक नीर रे भर गंगा में,
के तब तक चले रे तुम्हारे भी 10 रुपए का पुरस्कार लेकर आए। इसके प्रोपाइटर हैं बनबारी सिंह, आर के डीजे, रोहित डीजे, साउंड एंड लाइट डेकोरेशन। हमारे यहाँ विवाह, शादी, पार्टी, वर्थडे, लगुन तथा अन्य अवसरों पर डीजे तथा लाइट की 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। इनका पता है इब्राहिमपुर गड़ी सेसवान बधाइयों। भाई इनके भी लिए सेवा का मौका एक बार अवश्य दें। और इसी के बीच आएगा सूरज इमरानपुर गड़ी की तरफ से, जो 10 रुपए रानी मंजा के लिए देते हैं। अच्छा सुरजीत, सुरजीत यादव जी इमरानपुर गड़ी की तरफ से ये 10 रुपए स्पेशल तरह से दे रहे हैं। 10 रुपए का पुरस्कार लेकर आए हमारे दादा भूरे और 10 रुपए मुकेश निवासी मोरू वाला, ये भी 20 रुपए पार्टी के वास्ते। जय सूरज भैया समन का बैठे 10 लोटक तेगा चलाई रे अमरा करे भगवान ने धन तेगी कंगे माई रे छोड़ी अरे बनी रे मेरी दैया पारे बारे पेटान की औरो पंजा राखंगी शारदा मोरी माँ हेलो। और ये मानिए 50 रुपया, 50 रुपया काकसी के रहने वाले उर्फ लाला राम डॉक्टर साहब, लाला राम डॉक्टर साहब उनके लिए, सबको लिए जानता है दौलतपुर में आसपास काकसी के रहने वाले, ये 50 रुपये दे रहे हैं। अरे गोला चेहरा अरे हेरे ना हर को क्या चुलब फेर रही है रे लपेटा खाए अरे कातारी परे करो रही सनुकी शोभा पर मेरे कहिए न जाए। और ये 10 रुपया ये हमारे भतीजे सुरजीत ये भी 10 रुपये दे रहे हैं। और हमारे सज्जन सिंह ठेकेदार साहब का कहना है कोई भी मेला में बबलिंग नहीं करेगा, हमारा मेला 27 तारीख चलेगा। और सज्जन सिंह ठेकेदार साहब का कहना है कोई भी दुकानदार के लिए आसपास का कोई परेशान करेगा तो नेताजी से आकर के जरूर कहेंगे, उनकी जरूर सुनेंगे। सज्जन सिंह ठेकेदार साहब अरे जोड़ी बनी रे सब भैया के कृपा रखेंगे सिरियब रानी बंजा कहने लगी मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी पति महाराज की, आज मेरे हाथों में तरैया बांस दे दियो कच्ची कमोरों में दही घुरवा दियो। तो रानी बंजा कहने लगी कौन सी गलती है गई पलक की हाथ में दे दो तरैया बांस सत के पीछे का गौड़ाए रही सुना भैयो वो ही पते बिरता नारे बिटरिया अजय पालक। हेलो। और ये जल्लूपुर के रहने वाले ये जसवीर सिंह और सत्यवान ये अरविंद ये धर्मेंद्र दो सज्जन ये 20 रुपये दे रहे हैं। और ये शिकारपुर के रहने वाले हमारे भाई साहब राजवीर सिंह, उनके नाती साहब कृष्णा, नाती बाबा ये 20 रुपये दे रहे हैं। तेरी जोड़ी बनी रे नाती बाबा की के पंजा रखेंगे सिरियम
ये 10 रुपया लिपट के रहने वाले जियालाल और 10 रुपया संजीव और 10 रुपया ये धर्मेंद्र, ये तीनों सज्जन ये भी 30 रुपये देते हैं। अरे जैसे बसरे भैया अलीपुर में केसर सा बीच रे बसरे मलिखान, और ये 10 रुपया श्रीपाल और 10 रुपया सुभाष अलीपुर के रहने वाले, ये 20 रुपये दे रहे हैं। रानी मंजा कहने लगी, और ये 10 रुपया गड़ी के रहने वाले प्रताप सिंह, ये भी 10 रुपये दे रहे हैं। राजन की मैं बेटी की हो, कागा उड़ाए मैंने कबू ना, इन हाथन से मैंने हंसा छुपाए, सुना पइयो हाथन से उड़ाए रही काग बात ना, सतपुरा जन पे ये 10 रुपया हरविंदर भैया भंवरी की तरफ से, और ये 10 रुपया मंजीत जे भी 10 रुपये दे रहे हैं मोहम्मदपुर की तरफ से, और ये 10 रुपया अलीपुर के रहने वाले रईस रावर ये भी 10 रुपये दे रहे हैं। तारे चढ़ी हो चौकटारे मलिया के क्या फुल्लिए लगे रे सोवरन क्या, इसी के बीच आएगा सुरजीत यादव जी इमरापुर गड़ी की तरफ से, ये 100 किलो से रानी मंजा के लिए 10 रुपए स्पेशल तौर से दे रहे हैं। और ये मानिए 10 रुपया, ये 10 रुपया सौदान सिंह अलीपुर की तरफ से, ये हमारे साधु साहब ये भी 10 रुपये दे रहे हैं। भैया सात पांच कोरे मुर्गी चले ए नको तोरे बिलैया खाए, इकलो बेटा सिंगनी चंदले के बाकी भोमा मेरे संसार, और ये वजीरपुर की तरफ से ये मानिए 10 रुपया जीतपाल भैया ये भी 10 रुपये दे रहे हैं। अरे कर्म करे सो करे ना कोई, अरे कर्म करे सो करे न कोई, कर्मन की गत है न्यारी और कर्म से राजत रंग मिले और कर्म से मिले चिमीदारी, और इस बंदे का कर्म रूट जाए दूर के घर की नारी, और बड़ा चढ़ी से रग भर के और सोने की लंक छलंक में कोई की सबता ससी चंद तेज देख मधोबर रानी रोई, तुलसीदास बेचारे करे सो कर्म करे सो करे न कोई, आज तेरे भागे बदे की बात राजन की बेटी कहियो, सुन पइयो सब भाग लेके की बात के आज में काका उड़ाए रही। हेलो, और कोई भी मेला में पब्लिक नहीं करेगा, हमारे ठेकेदार साहब का कहना है अगर जो भी कोई पब्लिक मेला में करेगा तो उसकी अपनी बेइज्जती का खुद ख्याल रखें। सज्जन सिंह ठेकेदार साहब का कहना है सस्वता के पास ज्यादा कोई भीड़ नहीं लगाएंगे, और हमारा प्रोग्राम अब 27 तारीख तक चलेगा। सज्जन सिंह ठेकेदार साहब का कहना है, और ये अलीपुर के रहने वाले 20 रुपया मानिए छत्रपाल सिंह हमारे भाई साहब ये भी 20 रुपया दे रहे हैं। ऐसे बसरे भैया अलीपुर में
केसर साबी चेरे बसे रोए गई राजन की बेटी मेरी फूट गई तकदीरा कर्म की मेल करी है दिन तीनों चल मोहनी ना मैं मेरी माता करम की बेल करी ओछी अरे जब से उड़ाए रही ताग खाए बे को नाए मिली रो अरे आए गई मंजा को अजय अरे हमारे भाई साहब छत्तरपान सिंह और ये 50 रुपये मानिए काकसी के रहने वाले डॉक्टर बकील साहब ये भी 50 रुपये दे रहे हैं। ये ऊंची रे आसत के रे मालिक है के बगिया इने रे तहिए बंदवाए और कातारी पर रे करो रही सनुका के सोबा बरन रे तहिए कागो से बोली अरे कागाओ आ तुमसे मेरे काम है कागाओ मेरे कई को काम करोगे तो जब तक जीऊंगी तब तक एहसान मानूंगी तो क्या कहने लगी और ये 20 रुपया फिर भी छत्तरपान सिंह ये 20 रुपये देते हैं प्यारे चढ़ी हो चौक तारे मलिया देके फुलिया लगे रे सोबर ओ रानी मज्जा कागो से बोली अरे कागाओ अरे मेरे कागाओ ओड़े चाहियो बाबुल जी के देश बाबुल से कहियो जाए तेरा तेरा अरे तेरे काका उड़े चाहियो बाबुल जी के देसे बाबुल से कहियो जाए
मुगा के मैया से कहियो ए जी हो मेरी मुगा के मैया से कहियो मैया को तैयो सामा जाए त्यारी बेटी कागा तेरा डेरा। हेलो, और ये खिरकवारी के रहने वाले ओमपाल सिंह 20 रुपया और 20 रुपया मानिए खिरकवारी के रहने वाले सत्यपाल सिंह और ये जल्लूपुर के रहने वाले धर्मपाल सिंह 20 रुपया दे रहे हैं और हमारे सत्यपाल सिंह का कहना है जहाँ कहीं हो जल्लूपुर वाले धर्मपाल और स्टेज के पास आया उनके लिए सत्यपाल भैया याद कर रहा है और ये 20 रुपया मानिए सुभाष उनके लिए फौजी के लिए याद कर रहा है आवाज सुन रहे तो स्टेज के पास आशा है सुभाष से मिल रहे और ये फिर भी 10 रुपया मानिए ये 10 रुपया ये 76 अलीपुर की तरफ से और इसी को भी